नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूँ। तो अपना जो डिविजिबिलिटी था वो ख़त्म हो चुका है और एक नया टॉपिक जो है डिजिटल सम, ठीक है, वो आज मैं करवाने वाला हूँ। और ये रूट है 25 तक के, आप लिख लेना, ठीक है। और मैं इनको मिटा देता हूँ। और आप एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखता है अपने आप में, वो टॉपिक मैं आज करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है डिजिटल सम या डिजिटा रूट, ठीक है, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम या डिजिटा रूट, ठीक, ये इस टॉपिक का नाम है। तो इसको करते कैसे, आपको मैं थोड़ा सा मतलब वो है, इसका शुरुआती पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं इसमें। याद रखो कि ये सोल्व होता है सिर्फ 3 और 9 के लिए रूल है ये, ठीक है, और 9 पे हम इस पर काम करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8, 5, 6, 3, 2, 4, 7, 6, बोल रहा है कि 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो इसके लिए हमें, मैंने पहले बता चुका कि 9 के लिए क्या है, सबका सम करो, डिवाइड करके देखो, जितना बचा वही इसका मतलब भी, जितना बचा उसको 9 से भाग दे दो और जो कट जाता है तो मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगी। बट इसमें एक नई चीज़ और है कि यदि इसका सम करते हैं हम पूरे का और सम को 9 से डिवाइड करते हैं, जितने भी नंबर बचते वो शेषफल भी आ सकता है। जैसे कि वो चेक करने का तरीका होता है सर, शेषफल के लिए सिर्फ 9 के लिए है ये। जैसे कि 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे ना पूरी को, तो हमें सिर्फ करना क्या है, इनको जोड़ते चलना है। 8, 5, 13, 13, 6, 18, 19, 19 और 3, 19 और 3, 22, 22 और 4, 24 और 4, 26, ठीक है, 24 और 4, 28, ठीक है, 28, 28 और 6 कितना हुआ, 34, 34 और 6, 41, ठीक है, 39 बन रहा है। 41 है ना, फिर मैं बता रहा, तो बन रहा है इसका 41, ठीक है, 41/9। अब 41 को भी आपस में जोड़ लो, कितना बनेगा, 5, 4 और 1, 5, 5/9, तो इसका शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया शेषफल, ठीक है, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक। तो ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसका क्वेश्चन कैसे है, 5, 8, ठीक है, 5, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 9, ठीक, 5, 5, 9, 8, इसका शेषफल पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ 9, 9 दिख रहा है उससे 9, 9 तो काट दो, ठीक है, 9, 9 काट दिया और ये कितना बनता है, 13 है, और 13 और 7 कितने बनेंगे, 20, 9, 2, 18 होते हैं, मतलब इन दोनों का 20 बने, 20 में से 18 गए तो कितने बचे, 2, 2 को 6 में जोड़ दो कितने बने, 8, ठीक है, 8 को 5 से जोड़ दो, फिर 8, 5, 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 13, 5 होते हैं 18, ठीक है, 18 से मतलब फिर 9 से कट गया और यह क्या बचा, 8 बचा, तो इस क्वेश्चन का मतलब शेषफल क्या बचेगा, 8 इस क्वेश्चन का शेषफल आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सिर्फ 9 में और 3 में ही रूल में काम करेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या जैसे 545 है, इसको 5 का यदि शेषफल निकालना हमें, तो इसको पूरे को भाग देना पड़ेगा, ना कि इनको जोड़ के हम जो बचे ऐसे कर सकते, नहीं, सिर्फ ये 9 में और 3 में रूल में ये काम करेगा, ये याद रखना, ठीक है, 9 के और 3 के रूल में काम करेगा, समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक ठीक है। कोई और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन हमारे पास एक 12 × 16, ठीक है, 9, इसको इसका मतलब पूछा है शेषफल कितना आएगा, तो इसका शेषफल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो या तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, या तो क्या करो 12 को 16 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका शेषफल निकालो, या सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ लो क्या बनेगा, 3, और इन दोनों को जोड़ लो क्या बनेगा, 7, ठीक है,
फिर इन 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा 21, 21 बन गया। और फिर से इन दोनों को जोड़ लो, क्या बना 3, 3/9, मतलब इससे शेषफल आ गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको पूरे को मल्टीप्लाई करो, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160 प्लस में छोड़ दूँ 32, ठीक, तो कितना बनेगा 192, है ना, 192 बनेगा ना, 192 बनेगा। और इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 2 = 18, ठीक है, बचा 1, 9 × 9 = 9, तो शेषफल कितना बच के आएगा, 3 शेषफल बच के आएगा इसका, भाग देख के देखेंगे ना 192 को 9 से, तो 9 × 2 = 18, 1 = 2, 9 × 9, तो शेषफल कितना आया 3, और शेषफल कितना आया 3। तो वो है शॉर्ट तरीका, ये है अपना जो नॉर्मल तरीका जिसको बोलते हैं ना, जो जिसको सोल्व करते हैं कि 12 को 16 को मल्टीप्लाई करे किया तो 192 आया, ठीक है, और उसको भाग करके देखा, तो हम इस तरीके से, हाँ 160 प्लस में 32, कहाँ से देखो मैं बताता हूँ, ये है गुणा करने का तरीका, 16 को 10 तक ले गए हम, 16 × 2 = 160, ठीक है, फिर बचे 2, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 16 को ये इसको तोड़ते हैं, देखो मैं बताता हूँ, 12 × 16 करना है हमें, ठीक है, 12 × कितना करना है 16, कोई नहीं, तो 12 × 16 करना है, तो 10 + 2 हुआ, ठीक, 10 + 2 से तोड़ लो, इंटू में है 16, ठीक है, तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 160, प्लस में 16 को इससे गुणा करेंगे तो 32, ठीक है, और अब इनको जोड़ेंगे तो 192। ये है शॉर्ट तरीका, मतलब फास्ट तरीका है, एक संख्या तोड़ के देखनी पड़ेगी, पहाड़ा याद होना चाहिए, किस कौन से संख्या का पहाड़ा तुम्हें जल्दी हो सकता है, अब देख दोनों के याद है इसमें तो, पर कोई संख्या ऐसी होती है जिसमें अपना पहाड़ा याद ना हो दूसरी का, तो दूसरी वाली को तोड़ो जिसके पहाड़े याद नहीं है, ठीक है, ये सवाल ऐसे होंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा ना, जब मजा आएगा इसको करने में, ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं कैसा है, देखो क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, ठीक है, और बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, बट हम इसको सोल्व करेंगे एक मिनट से पहले, और वैसे ये सोल्व करने में जान निकल जाएगी, या होगा ही नहीं सोल्व ही नहीं होगा, पहली बात तो ये सोल्व नहीं कर पाएंगे कोई भी, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन है 2 3 2 3 9 7 3 5 7 0, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है 932 7 3 5 6 0, ठीक है, सी पे है 3 9 2 7 3 5 5 0, ठीक, अगला है डी 75 37 23 80, ठीक 75 37 37 था ये, 3 था भाई और 80, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये शायद सोल्व ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, ये सोल्व नहीं कर पाओगे, पर वो डिजिटल सम जो बताया ना मैंने, उससे ये क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सोल्व हो सकता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखो हमें इसका डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम सोल्व, अब देखो इसका तो स्क्वायर निकाल ही नहीं सकते, मतलब निकाल सकते हैं, पर ये है कि टाइम कितना लगेगा, ये तो फिर एक क्वेश्चन निकालने में 2.5 घंटे बिता दोगे, तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, देखो इसको सोल्व करने के लिए हम इनको अंदर से, मतलब इनको जोड़ लें, ठीक है, तो कितना बनेगा 7 7 और 2 9 9 और 1 10, 10 बना, 10 को फिर से जोड़ लिया, क्या बना 1, तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका 1, ठीक है, डिजिटल सम कितना आ गया इसका 1 डिजिटल सम आ गया, और इसकी स्क्वायर भी करेंगे ना तो भी 1 ही आएगा निकल के, ठीक है, 1 ही आएगा, इसका देखते हैं, इसका क्या है 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 = 17, 17 बना, 17 को भी जोड़ लो, क्या बना 8,
आठ बन गया, ठीक है, आठ का कर दो स्क्वेयर, ठीक है, आठ वटू 64, ठीक है, फिर इसको भी जोड़ दो, क्या बनेगा 10, 10 को भी आपस में जोड़ दो तो क्या बनेगा 1, तो पूरी इसका डिजिटल सम कितना निकल के आया 1, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, ठीक। अगला ले 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, तो 12 लिखो, ठीक है, 12 को भी आपस में जोड़ दो तो कितना बना 3, 3 की कर दो स्क्वेयर तो कितना बना 9, अब 9 से 9 काटेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 0, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है 10, ठीक है, 10 और 4 14 लिख लो, 14 को फिर से जोड़ो बना 5, 5 को स्क्वेयर कर दो कितना बनेगा, क्योंकि स्क्वेयर है ना तो स्क्वेयर करो कितना बनेगा 25, ठीक है, 25 को फिर से जोड़ो कितना बनेगा 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 7। अब पूरे का जोड़ते हम 1 और 2, ठीक है, और यहाँ 0 है और 7, 1, 2 और 7 कितना हुआ पूरा 1 + 1 + 0 + 7 कितना हुआ 9, 9/9 करेंगे डिजिटल सम कितना आएगा 0। इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना निकल के आया 0 निकल के आया, ठीक है। अब ऑप्शन में मिला के देखेंगे, जिसका डिजिटल सम 0 हुआ वही हमारा इसका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो नीचे से लेके चलते हम, 7 और 5 12 12 और 3 15, ठीक है, 15 और 7 22 22 और 8 24 और 8 32 32 और 8 40, ठीक है, 40 को कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो इसका डिजिटल 40 को इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 4/9 मतलब इसका डिजिटल सम कितना है 4, तो इस क्वेश्चन में ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, 9 से 9 कट गए दोनों, भाई ये भी 9 था 7 और 2, ये भी 9 है, ठीक है, अब बाकी बचा जोड़ लेते, 3 और 3 6 6 और 10 16, ठीक है, तो इसका आया 16, 16 को आपस में फिर से जोड़ते हैं तो बना 7, 7/9 मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया 7, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये 9 से 9 काट दो, याद रखो कि नीचे है 9 है, ये भी 9 कट गया, और ये 6 और 3 9 ये भी कट गया, अपने पास बचा है 3 3 और 5 8, तो इसका डिजिटल सम कितना है 8/9 मतलब इसका डिजिटल सम कितना है 8 आया है, ठीक है। अब बचा अपने पास ये क्वेश्चन, मतलब ये आंसर, ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ठीक है, और बाकी बच्चे जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 7 11 और 7 कितने होंगे 18, ठीक है, 18 को फिर से जोड़ो कितने बनेंगे 9, 9/9 है तो कितना बना देगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है, जब आप करने लगोगे तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गए। कौन सा इसमें, यहाँ देख, यहाँ है 9 अपने नीचे, ठीक है, ये तो कट गया 9, ये भी कट गया 9 बन के, 3 से 3 कैसे कटेगा, जोड़ना है हमें, जोड़ 9 लाना है, इनको सारे को जोड़ पूरे को, 5 और 3 5 और 5 10 10 और 10 20 20 और 2 22 22 और 9 22 और 9 कितना होंगे 31 31 और 3 34, यहाँ लिख 34, ठीक है, 34 को जोड़ेगा तो कितना बनेगा 7 7/9, वही मैंने निकाला 7/9, ना ना ऐसे काटना नहीं है नीचे वाले को, ये तो मैंने जोड़ निकाला है कि जोड़ निकाल के, ये तो पूरा जोड़ निकाल के कर सकते हो, इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, जब हम निकालने लग जाएंगे इस क्वेश्चन को तो ये बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे, और वो कैसे होंगे वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और कितना अच्छे तरीके से सोल्व हुआ है ये देख लूँ, और वैसे सोल्व ही नहीं होता ये, वैसे तो छोड़ के आते फिर इसको, डिजिटल सम से ही सोल्व होता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि 1 मिनट से पहले ये ही टॉपिक है जो आपका ये क्वेश्चन सोल्व करवा सकता है। तो डिजिटल सम का जो दूसरा है जो परेशानी पैदा करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हाँ हो गया सही। तो क्या है, देखो सीधी कोई वैल्यू है, मतलब मान लो 5 है तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 से डिवाइड करके देख लो, 5 इसका डिजिटल सम होगा। 12 है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 इसका डिजिटल सम होगा, मतलब ऊपर वाला जो आंसर होगा
होगा। पर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है ऐसी वैल्यू में, इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो इसका डिजिटल सम हो सकता है, देखो इसको पहले तो फ्रैक्शन का हटा लो, तो ये कितना है 0.5 है ये, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10 और डिजिटल सम 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो डिजिटल सम के लिए हमें सीधे नीचे 10 ले आओ, मतलब पॉइंटों वाली वैल्यू, ये पॉइंटों वाली वैल्यू है ना, इसी में ही प्रॉब्लम आती है और बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो पॉइंट वाली वैल्यू में हमें क्या करना है, डिजिटल सम निकालने के लिए नीचे 10 ले आना है बस, ठीक है। तो ऐसे मान लो हमारे पास है 7/2, ठीक है, 7/2, ठीक है, 7/2 है जो पॉइंटों वाली वैल्यू है, इसके लिए डिजिटल सम कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 लाना है, तो हमें ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से कर दो, तो कितना हुआ, 5 × 10, ऊपर क्या हुआ 35, 35/10, इनको फिर से जोड़ दो तो 8/10, तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका, 8 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते, 1/5, तो इसको क्या करो, 2 से ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर क्या बचा 2/10, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/4, ऐसी वैल्यू लानी, नीचे 10 ही बनाना है, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो 20 बनेगा, 20 10 तो बनना नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 7, नीचे बनेगा 7 × 28, अब नीचे वाला को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 10, ठीक है। तो डिजिटल जो सम है वो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जो फ्रैक्शन वाले हैं, जो मतलब पॉइंटों वाले हैं, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इस बेस पे हम क्वेश्चन अब लेते हैं, क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 18% ऑफ 1150 प्लस में 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। और इसके क्वेश्चन के आंसर क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है 77, बी ऑप्शन जो है वो है 92, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो है 90, ठीक, और डी ऑप्शन जो है वो है 95, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं। तो हम डिजिटल सम निकालते हैं, तो पहला पैटर्न मतलब पॉइंट है ये, तो ये है 18/100, ठीक है, इनटू में 1150, ठीक, ये है हमारे पास। इसका डिजिटल सम कितना होगा, देखो इसको जोड़ो कितना बनेगा, 9, ठीक है, कितना बनेगा 9, अब 9 नीचे है तो 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो ये बना देगा 0, अब 0 को इससे डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरे का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। दूसरा पैटर्न है हमारे पास ये, मतलब दूसरी जो वो है, तो इसमें क्या करेंगे, 12/100 इंटू में, ऑफ का मतलब होता है इंटू, ठीक है, और परसेंट आ गया नीचे ये, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको करते हैं, देखो इसको करेंगे तो यह बनेगा 3, और इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा, 7, 3 और 7 कितना होता है, मतलब 7 × 21 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और इसको फिर से करेंगे तो कितना बना देगा, ये बना देगा 3, ठीक है, कितना बना देगा, 3 बना देगा, ठीक। तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका पूरे का डिजिटल सम, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास, दूसरा कितना है, 35/100 इंटू में 420, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 और 3 8, और ये कितना बनेगा, 6, ठीक है, 6 × 8 कितना हुआ, 48 को फिर से जोड़ दो कितना बनेगा, 12 को फिर से जोड़ दो कितना बनेगा, 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3। अब देखो माइनस का निशान है तो -3, ठीक है, तो यहाँ पूरा क्या बनेगा, 0 - प्लस 3 - 3, तो डिजिटल सम कितना आया, 0,
इस पूरे का डिजिटल सम कितना निकल के आया, 0 डिजिटल सम निकल के आया। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में देखना है कि डिजिटल सम 0 किसका है। देखो 9 और 5 कितना होता है, 13, 13 मतलब ये लिखा जाएगा, फिर इनको जोड़ दो कितना बनेगा, 4। तो डिजिटल सम कितना आएगा, 4। इसको देखो, इसको 9 से करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो डिजिटल सम कितना निकाल के देगा, 0। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, अब और चेक कर लेते हैं, ये 9 और 2 11 11 कितना बनता है, 1 और 1 2। तो डिजिटल सम कितना निकाल के देगा, 2 निकाल के देगा। ये जोड़ेंगे तो आपस में कितना बनेगा, 7 × 2 = 14। ठीक है, 14 को फिर से जोड़ो, ये कितना बनेगा, 5। तो डिजिटल सम कितना निकल के आएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, या आप जो मेन तरीका है उससे भी सोल्व कर सकते हो, 90 ही आंसर निकल के आएगा। वो आप एक बार ट्राई करना, 18 का इतना परसेंट, 12 का इतना परसेंट, फिर इतना का इतना परसेंट, ये माइनस है ये प्लस है, पूरा सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 90 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वो तो था बड़ा तरीका, और ये है शॉर्ट तरीका जो कि 1 मिनट के अंदर सोल्व होगा। और जो वो बड़ा वाला तरीका है वो तो मल्टीप्लाई में आप कर दोगे, जय कहीं ना कहीं गड़बड़ और क्वेश्चन आंसर भी गलत। ठीक है, सोल्व तो हो जाएगा वो, पर 1 मिनट में नहीं होगा, ये पक्का है। तो डिजिटल सम सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये है कि 42.5 मीटर लंबी रोड से, 42.5 मीटर लंबी एक रोड है, उससे 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। बात है ये कि ये बात दी गई है, ठीक है, इसके कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ऑप्शन दे दिए हमारे पास, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है ये। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं देखो बता देता हूँ आपको, कि भाई 42.5 है बटे में 0.85 की रोड काटनी, मतलब इतनी लंबी, इतनी मीटर लंबी कोई रोड है। ठीक है, 42.5 मीटर लंबी कोई रोड है, और इतने इतने मतलब इतना होगा शायद ये 85, इतने इतने करके 42 पॉइंट में कितनी रोड निकाली जाएगी, मतलब कितनी ये टुकड़े निकाले जाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अब सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, और 85 × 10, तो इसको काट लो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, काट लो आंसर कैसे मिल जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 5 × 10 और 5 × 5 5 × 7 = 35। ठीक है, 17 × 17 = 34। ठीक है, 34 × 6 = 7 = 8, 17 × 5 = 85। ठीक है, 25 × 25 = 50, तो 50 इसका आंसर आ सकता है। तो ये इसका आंसर होगा, वो तो है वैसा तरीका। ठीक है, 50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और हम डिजिटल सम के द्वारा निकालते इसको। डिजिटल सम के द्वारा कैसे निकाला जाएगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो इनको ऊपर वाले को जोड़ लूँ। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 6 × 6 = 5 = 11। 11 को फिर से जोड़ो तो क्या बनेगा, 2। ठीक है, 2 बनेगा। नीचे कितना है, 8 × 5 = 13। ठीक, 8 × 5 कितना है, 13 होगा ना, तो 13 लिखो, 13 को फिर से जोड़ो कितना बनेगा, 4। तो ऊपर आया 2, नीचे आया 4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रैक्शन वाली का डिजिटल सम निकालने के लिए हमें नीचे 10 लाना है कैसे भी करके। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 2 ऊपर तो आ जाएगा 14, नीचे आएगा 7 × 2 = 28। ऊपर वालों को जोड़ दो आपस में तो बनेगा 5, नीचे वालों को जोड़ दो अब बनेगा 10। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 डिजिटल सम आएगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो इसको जोड़ो निकालेगा 3 3/9, मतलब डिजिटल सम कितना होगा, 3। इसका क्या निकलेगा डिजिटल सम, 4। इसका क्या निकलेगा वह जोड़ेंगे तो 5, और इसका कितना निकलेगा, 6। तो हमारा डिजिटल सम कितना था, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम से ऐसे निकलता है और लॉन्ग वाले तरीके से वैसे निकलता है। ठीक है, तो ये था डिजिटल सम। हम इसको किसी भी टॉपिक में, मतलब ऐसे गुणा भाग वाले टॉपिक में, परसेंटेज निकालनी हो या क्वेश्चन वाले टॉपिक में हम लगा सकते हैं। ठीक है,
वो लगाने का तरीका मैंने बता दिया, फ्रैक्शन वाली कब बता दिया, सीधे सीधे वाली कब बता दिया, ठीक है। और डिजिटल सम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रेडार डेली अपडेट करके टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन करो। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप जाकर क्वेश्चन डाल सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।